चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद से बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सिर्फ विपक्ष के ही नेता नहीं, सत्ता पक्ष के भी नेता कोर्ट के इस फैसले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसी कड़ी में पटना में बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे इस फैसले का सम्मान करते हैं। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने आरजेडी पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि लालू के बाहर आने के बावजूद बिहार की राजनीति में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रांची हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को आज बेल दिया है। न्यायालय ने फैसला लिया है, न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। न्यायालय तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसले लेती है। अगर न्यायालय ने बेल दिया है तो इसका सभी लोगों को स्वागत करना, लेकिन इसका कोई राजनीतिक मायने या अर्थ निकालना उचित नहीं होगा। लालू यादव बेल में रहे या जेल में रहे, बेल से बाहर आने के बाद भी राजनीतिक रूप से कोई असर बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। लालू जी अब पूरी तरह से राजनीति से ओझल हो चुके हैं, अब राजनीति में किसी प्रकार का उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया है। खास कर करके बिहार की जनता अब धीरे धीरे उनको लगातार भूलती जा रही है। अब उनके बातों पर न बिहार की जनता कोई अमल करती है न ध्यान। जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन ने बिना मास्क के लोगों पर कार्रवाई के साथ अर्थदंड का भी निर्देश दिया है। इसी कड़ी में पोटका अंचल अधिकारी के साथ थाना प्रभारी द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना मास्क पहने लोगों को उठक बैठक कराई गई। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि वो मास्क लगाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर है ना, जो भी सरकार के गाइडलाइन है, आज बाजार अभी तो हर बाजार यहाँ पर लाखों कारोबार कोरोना चेकिंग हो रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, डिस्टेंस बनाते रहें, मार्केटिंग जो भी करते हैं मास्क पहने, दुकानदार भी पहने, ग्राहक भी पहने, हमेशा समय हमेशा लोगों को यही समझाया जा रहा है, क्योंकि आंकड़ा बढ़ते जा रहा है ना अभी तक एक साल।